महाराष्ट्र में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए तारीखों का ऐलान होने के बाद भी महाविकास आघाड़ी के बीच सीट शेयरिंग का मामला सुलझने का नाम नहीं ले रहा। ऐसे में उद्धव ठाकरे की पार्टी अब सीधे सीट शेयरिंग की डील कांग्रेस हाईकमान से करेगी। सीट शेयरिंग को लेकर फंसे पेच पर अब उद्धव गुट के सांसद संजय राउत का भी बड़ा बयान सामने आया है। संजय राउत ने शुक्रवार को पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि कई सीटों पर फैसले हो चुके हैं, लेकिन कुछ सीटें ऐसी हैं जिन पर फैसला नहीं हो पा रहा। कई सीटें ऐसी हैं जिन पर गठबंधन की तीनों पार्टियां अपना अपना दावा कर रही हैं। तो सुनिए संजय राउत ने अपने बयान में और क्या कुछ कहा है। सुबह मेरी मुकुल वासनिक जी से बात हो गई, आज मैं राहुल गांधी जी से भी बात करूंगा और जो रुका हुआ फैसला है सीट शेयरिंग के बारे में उसको गति मिलनी चाहिए, उसके बारे में हम उनसे आज बात करेंगे। सुबह बात हो गई है, बहुत सी सीटों पर फैसला हुआ है, कुछ सीटें ऐसी हैं जिसके ऊपर फैसला नहीं हो रहा। कांग्रेस, एनसीपी, शिवसेना और हमारे अलायंस पार्टी है, समाजवादी पार्टी, कम्युनिस्ट, हमारे यहाँ एक शेतकरी कामगार पार्टी है। अब टाइम कम है बहुत, तो महाराष्ट्र के नेता है वो निर्णय लेने में सक्षम नहीं है, ऐसा मुझे लगता है कि बार बार उनको दिल्ली में लिस्ट भेजनी पड़ती है, फिर चर्चा होती है। अब वो समय निकल चुका है, हम चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी ये फैसला हो जाए। एनसीपी और शिवसेना में कोई ज़्यादा मतभेद नहीं है, कांग्रेस में भी नहीं है समझ लो, लेकिन कुछ सीटें हैं जिनके ऊपर सभी तीन पार्टी दावा करती है। तो आज हमने कांग्रेस हाईकमान से भी चर्चा की दिल्ली में, आज सुबह मैं पार्टी चीफ उद्धव ठाकरे जी से उनको पूरा मैंने जो मीटिंग में हो रहा है हो गया उस बारे में मैंने माननीय उद्धव ठाकरे जी से भी बात की। उद्धव ठाकरे जी से मुझे कुछ सूचनाएं मिली है, मैं उसका पालन करूंगा शाम तक और मुझे लगता है कि ये मामला सुलझ जाएगा। सर, नाना पटोले का रवैया सर काफी अड़िग है, वो अड़ियल रवि अपना रहे जिस वजह से पूरा मामला फंसा हुआ, ऐसी जानकारी सामने आ रही है। मुझे मालूम नहीं, शिवसेना के साथ कोई इस प्रकार का रवैया नहीं कर सकता, ये शिवसेना है, हम ज्यादा अनुभवी है महाराष्ट्र के, नाना पटोले हमारे साथी है, लेकिन कुछ सीट पर पेच है वो दूर हो जाएगा। वही संजय राउत के इस बयान पर कांग्रेस का भी बयान सामने आया। पवन खेड़ा ने कहा कि जब पार्टियों के बीच में सीट का बंटवारा हो रहा होता है तब इस तरह के पड़ाव आते हैं, लेकिन हर बार ये पड़ाव हम मिलकर पार करते हैं, इस बार भी कर लेंगे। बहुत देरी हो रही ये है, सब जब सीट शेयरिंग हो रही होती है पार्टियों के बीच में इस तरह के पड़ाव, मोड़, स्पीड ब्रेकर सब आते हैं, लेकिन हर बार आपने देखा कि ये पड़ाव, मोड़ और स्पीड ब्रेकर हम मिलकर पार भी करते हैं, इस बार भी कर रहे हैं, कोई विवाद नहीं है। हाँ, संवाद होता रहता है, कई बार होता है कि ये सीट उनको भी चाहिए, हमको भी चाहिए, किसी और को भी चाहिए, फिर उसमें बातचीत होती है और बातचीत से रास्ता निकलता है, अभी भी निकल रहा है। वहीं कांग्रेस नेता अतुल लौंधे पाटिल ने कहा कि कल रात को 260 सीटों को लेकर सहमति बन गई है, पार्टी हाईकमान और राहुल गांधी अन्य सीटों को लेकर के भी फंसे मामले को जल्द सुलझा देंगे और इसे लेकर मीटिंग बुलाई गई है। एमवीए पूरी ताकत से एकजुट होकर चुनाव लड़ेगा, महाराष्ट्र में बीजेपी को सत्ता से हटाना राज्य के हित के लिए आवश्यक है और हम ये करेंगे। सूत्रों से जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक शिवसेना, उद्धव गुट, विदर्भ में ज्यादा सीटों की मांग कर रही है, लेकिन महाराष्ट्र कांग्रेस सीट देने को तैयार नहीं है। विदर्भ के अलावा मुंबई और मराठवाड़ा में भी शिवसेना, उद्धव गुट को कांग्रेस ज्यादा सीटें देने को तैयार नहीं है। शिवसेना, उद्धव गुट की दलील है कि लोकसभा चुनाव में हमने अपने कोटे की रामटेक, अमरावती जैसी परंपरागत सीट कांग्रेस को दी और कांग्रेस जीत गई। अब हम विधानसभा चुनाव में इन जिलों में कुछ सीटों पर चुनाव लड़ना चाहते हैं तो इसमें कुछ गलत नहीं है, हमें भी अपनी पार्टी को जिंदा रखना है। आपको बता दें कि मुंबई में विधानसभा की 36 सीटें हैं और पार्टी यहां की कम से कम 20 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती है और इसी तरह शिवसेना, उद्धव गुट नागपुर और अमरावती में भी अपनी हिस्सेदारी चाहती है जो कांग्रेस को मंजूर नहीं है। आपको बता दें कि महाराष्ट्र विधानसभा की 288 सीटों के लिए एक ही चरण में 20 नवंबर को वोटिंग होगी और चुनाव नतीजे 23 नवंबर को घोषित किए जाएंगे। राज्य में सरकार बनाने के लिए किसी भी गठबंधन या पार्टी को कम से कम 145 सीटों पर जीतना होगा। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।